हेलो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी आज का टॉपिक है एवरेज तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एवरेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपकी यूजीसी नेट में आए हुए हैं सो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एवरेज होता क्या है एवरेज एक सिंगल वैल्यू होती है या नंबर होता है जो होल डेटा को रिप्रेजेंट करता है दैट रिप्रेजेंट्स द होल डेटा राइट सो फॉर एग्जांपल जैसे एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका हमने वेट निकाल लिया सारे स्टूडेंट्स का वेट ट्वेंटी स्टूडेंट्स हैं मान लो सो ट्वेंटी स्टूडेंट्स का वेट हम ऐसे निकाल लेते हैं ओके okay. सो so, हमें चाहिए कि ऐसे सिंगल वैल्यू जो इस पूरे क्लास के डेटा को रिप्रेजेंट करे तो वो क्या होगी वो होगी एवरेज सो एवरेज निकालते कैसे हैं इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जरवेशन्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन ओके सो यहाँ पे हम सम कर देंगे जितने ट्वेंटी स्टूडेंट्स का वेट है उसको सम कर देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से ट्वेंटी यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद जो आपकी सिंगल वैल्यू आएगी सिंगल नंबर जो आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा पूरी क्लास के वेट को राइट right? सो so ये आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट है और ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है इसी से ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ओके क्वेश्चन नंबर वन है द एवरेज वेट ऑफ फिफ्टीन मैन इज डिक्रीज बाय टू के जी When one of them whose weight is 70 kg is replaced by a new man, what is the weight of the new man? Okay, so 15 men का एवरेज वेट टू के जी से डिक्रीज हो रहा है जब हम एक मैन को रिप्लेस कर रहे हैं एक नए मैन से जिसको रिप्लेस किया है उसका वेट है सेवेंटी के जी तो हमें न्यू मैन का वेट निकालना है राइट सो फिफ्टीन मैन यहाँ से आपको पता लग गया फिफ्टीन जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन है राइट right? और एवरेज जो है वो दे नहीं रखी तो हम एक्स मान लेते हैं एवरेज का फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया आपको क्या होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन राइट सो एवरेज हमने एक्स मान लिया सम ऑफ़ ऑल द ऑब्ज़र्वेशन हमें नहीं पता है ठीक है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता है फिफ्टीन है सो so, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सो फिफ्टीन एक्स हमारे पास सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आ गया राइट सो एज पर क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन जो एवरेज है वो टू के जी से डिक्रीज हो रही है ओके okay? कब हो रही है जब हम सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन में से एक सेवेंटी केज के जी के मैन को रिप्लेस कर, तो कर रहे हैं तो सेवेंटी के जी वाला मैन चला गया इसलिए हम माइनस कर रहे हैं एक न्यू मैन को हमें ऐड किया है उसका वेट हमें नहीं पता तो उसको हम मान लेते हैं एन राइट सो ये इस साइड हमने एवरेज ली है तो इस साइड भी हम एवरेज ही लेंगे ये तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जरवेशन है तो एवरेज लेंगे तो क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे फ़िफ्टीन से ठीक है तो इसको सॉल्व कर लेंगे फिफ्टीन एक्स माइनस सेवेंटी प्लस एन ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा फिफ्टीन एक्स माइनस थर्टी फिफ्टीन एक्स से फिफ्टीन एक्स कैंसिल हो जाएगा राइट सो एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस थर्टी प्लस सेवेंटी फोर्टी ओके सो जो न्यू मैन का वेट है वो है फोर्टी के जी क्वेश्चन नंबर टू देर आर फिफ्टीन स्टूडेंट्स इन अ क्लास द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर

और ये जो एवरेज है स्टूडेंट्स प्लस टीचर की जो एवरेज है वो स्टूडेंट्स की एवरेज से टू ईयर्स ज़्यादा है ठीक है तो स्टूडेंट्स की एवरेज क्या हो जाएगी फिफ्टीन में से अगर हम टू माइनस कर देंगे तो थर्टीन ईयर्स आपकी एवरेज हो जाएगी स्टूडेंट्स की राइट right? सो so हमें क्या निकालना है व्हाट इज़ द एज ऑफ द क्लास टीचर ओके सो यहाँ पे सम ऑफ द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स हम कर देंगे सम ऑफ़ ऑल द स्टूडेंट्स की एज है वो कर देंगे ठीक है कैसे निकल कैसे निकलेगा वो कि फ़िफ्टीन स्टूडेंट्स है एवरेज उनकी है थर्टीन ठीक है और यहाँ पे इसका जो सम है वो हम निकाल लेंगे ये कितना होगा फिफ्टीन इंटू सिक्सटीन राइट सो थर्टीन इंटू फिफ्टीन कितना हो जाएगा आपका वन नाइन्टी फाइव और फिफ्टीन इंटू सिक्सटीन हो जाएगा आपका टू फोर्टी राइट सो टू फोर्टी में से जब हम वन नाइन्टी फाइव माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव ईयर्स विल बी द एज ऑफ द क्लास टीचर ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर थ्री है फाइव इयर्स अगो द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी वाज़ ट्वेंटी थ्री ईयर्स इफ़ टुडे एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज ट्वेंटी सेवन ईयर्स वट विल बी द एज ऑफ सी आफ्टर फाइव ईयर्स ओके सो फाइव ईयर्स अगो ए और बी की जो एवरेज है वो ट्वेंटी थ्री थी और आज जो है ए प्लस बी प्लस सी की जो एवरेज है वो कितनी है ट्वेंटी सेवन ईयर्स है ओके okay? तो पाँच साल पहले ए और बी की एवरेज मान लिया हमने ए की एज है ए बी की एज है बी सी की एज है सी तो पाँच साल पहले यानी कि फाइव माइनस कर देंगे और बी की एज में से भी पाँच साल माइनस कर देंगे इनकी एवरेज दे रखी है ट्वेंटी थ्री तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फिफ्टी सिक्स राइट सो सी की एज पूछी है तो so सी की एज हम यहाँ से निकाल लेंगे 81 वन तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई थी वो थी फिफ्टी सिक्स प्लस सी एटी वन सो सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे एटी वन माइनस फिफ्टी सिक्स ये आपकी आ जाएगी ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव सी की एज आ गई क्वेश्चन में पूछा है सी की एज कितनी होगी आफ्टर फाइव ईयर्स सो इसमें हम पाँच साल और ऐड कर देंगे तो so, सी की एज आ जाएगी पाँच साल बाद थर्टी ईयर्स राइट तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स फ्रॉम वन टू ट्वेंटी वन सो सी ऐसे भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं सो so, यहाँ पे आपको क्या करना है स्क्वायर ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव ऑर्ड नंबर्स ऑर्ड नंबर क्या होते हैं आपके जो टू से डिवाइड नहीं होते ओके सो वन टू ट्वेंटी वन में जो ऑर्ड नंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे वन थ्री फाइव सेवेन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन सेवेंटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी वन सो कितने हो गई ये 6, 6 और पाँच ग्यारह तो यहाँ एन हमारे पास आ गया इलेवन ओके तो स्क्वायर ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव वोड नंबर्स मतलब वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर ये ट्वेंटी वन तक का स्क्वायर इनका सम राइट तो इनका सम कैसे निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है मैं फॉर्मूला बताती हूँ आपको एन फोर एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई थ्री तो ये इसका सम निकाल लेंगे ये फॉर्मूला लगा के ये आ जाएगा आपका इसको वैल्यू पुट कर देंगे एन की ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा वन सेवन सेवन वन राइट तो हमें एवरेज निकालनी है एवरेज निकालनी है तो हम इसको एन से डिवाइड कर देंगे और एन हमारा क्या है इलेवन है तो इसको सॉल्व कर लेंगे ये डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा वन सिक्सटी वन राइट सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर सो ऐसे क्वेश्चनस में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए ठीक है तो यहाँ से वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर आप स्क्वायर करके फिर ऐड करने बैठोगे फिर इलेवन से डिवाइड करोगे तो ऐसे टाइम काफ़ी लग जाएगा तो ऐसे क्वेश्चनस के आपको फॉर्मूले याद करने हैं right? राइट क्वेश्चन नंबर फ़ाइव है द एवरेज वेट ऑफ ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए ऑफ द क्लासेज सिक्सटीन के जी सिक्सटी के जी वेर इज द एवरेज वेट ऑफ थर्टी फाइव स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी ऑफ द सेम क्लासेज सिक्सटी टू पॉइंट फाइव के जी फाइंड आउट द एवरेज वेट ऑफ ऑल द सिक्सटी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास ओके सो इसमें जो है ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट है सेक्शन ए के उनका एवरेज सिक्सटी दे रखा है और थर्टी फाइव स्टूडेंट है सेक्शन बी के उनका एवरेज दे रखा सिक्सटी टू पॉइंट फाइव तो आपको क्या निकालना है एवरेज वेट ऑफ ऑल द सिक्सटी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास निकालना है ठीक तो है तो सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं ट्वेंटी फ़ाइव स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज कितना दे रखा है सिक्सटी दे रखा है सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट है थर्टी फाइव स्टूडेंट है उनका एवरेज कितना दे रखा है सिक्सटी टू पॉइंट फाइव तो आपको सिक्सटी ये सिक्सटी टोटल है तो उनका एवरेज निकालना है कैसे निकालेंगे ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाई सिक्सटी ठीक है ये टोटल सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आ जाएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी फाइव इंटू सिक्सटी टू पॉइंट फाइव ओके तो ये आपका आ जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड और यहाँ से ये आपका आ जाएगा ट्वेंटी वन एट सेवन पॉइंट फाइव ठीक है इसका सम कर लेंगे सम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा थ्री सिक्स एट सेवन पॉइंट फाइव राइट तो इसका एवरेज निकालना है हमें थ्री सिक्स एट सेवन पॉइंट फाइव का एवरेज सिक्सटी से डिवाइड कर देंगे तो सिक्सटी से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सिक्सटी वन पॉइंट फोर सिक्स ओके सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर सो स्टूडेंट्स दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन डू ट्राई इट सो आई होप कि जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं या एवरेज का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आपको ध्यान क्या रखना है जो आपके बेसिक्स हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं ठीक है ठीके? ट्रिक्स पे जाना है ट्रिक्स आपको सीखनी है ठीक है लेकिन पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है उसके बाद ट्रिक्स पे जाना है ठीक है डायरेक्टली आपको ट्रिक्स नहीं सीखनी है जब तक बेसिक आपकी स्ट्रांग नहीं होंगी तब तक आपको ट्रिक्स नहीं सीखनी है राइट क्योंकि ऐसा होता है एग्जाम में आप मान लो रट के चले गए और आप भूल जाते हैं याद नहीं आता अगर आपके बेसिक स्ट्रांग हैं तो आप सॉल्व करके बेसिक से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो प्रैक्टिस करो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगी लगेगी और उतना ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ पाओगे एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर पाओगे तो थैंक यू फॉर टुडे इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए थैंक यू बाय बाय